माइक लगाओ पास में। यहाँ तुम कह रही थी दर्द होता है ना, तुमको क्या होता है बता रही थी। जब से तुमको अब हो रहा है, जब से आई हो किसी दिन सुबह है दर्द यहाँ चाहे पूरे शरीर में, माइक पास में लगाओ। हो रहा है जब से तब से ठीक है ना। तुम्हारे में तुम्हारा आदमी कोई नहीं चाह रहा है, तुम्हारे एकदम खास परदार चाह रहे हैं को विदेश ना जा पाए, घर पर आ जाए, रोड पर आए, घूमता रहे वो और किसी की बात ना सुने। क्यों बात तो नहीं सुने नहीं, मतलब घर में रहे नहीं, लेकिन तो फिर भी लौंगे नहीं कहे नहीं बेगे ना सो बार बार घर। हाँ वही कह रहा हूँ, करा रहे हैं, तुम्हारे बहुत खास है, घर ही के परदार हैं सब। तुम्हारे घर में जो लौंग फेंकते हो तुम फेंक दे ताकि क्यों बाहर ना जा पाए, आगे ना जा पाए। लौंग में बहुत बड़ी ताकत होती है, तुमको पता है, जब भूत खिला जाता है तो लौंगिये उतारा जाता है उसको, आप लोग भी देखे होंगे, सही है। अब लौंग आ रहा है तुम्हारे घर में, वही देखो वही तुम्हारा आदमी के देन है को बाहर नहीं जा पा रहा है, बाधा था तुम्हारा, बोला हूँ ना तो वही कह रहा हूँ, जाएगा चलाएगा। आदमी 2 लाख रुपए लगा के 1 लाख रुपए लगा के जा रहा है, 6 महीना साल में चलाएगा क्या कमाएगा वो, तो 1 लाख रुपए जो लगा के जा रहा है वो भर ही नहीं पाएगा अभी। बाकी अब जाएगा तुम्हारा आदमी रहेगा बढ़िया से, दम पानी पिला रही हो उनको। अब रहेंगे दम, तुम्हारा हर तमन्ना हर ख्वाहिश पूरा होगा तुम्हारा। इसके बाद जब से मेरे पास आ रही हो, माइक लगाओ पास में, कोई दिक्कत परेशानी बताओ, झूठ मत बोलना। झूठ नहीं बोलते, सही बात है, सही हो तुम ना, तबीयत आओ तो नहीं रही थी के ना दूर से। नहीं ऐसा नहीं लोग बाबा के पास झूठ तुम खाली आ रही हो, नहीं झूठ बात नहीं। कितना भाड़ा लगता आने में? 200 रुपया। पूरा दिन खराब जाता होगा, 100 रुपये खाती होगी जरूर। गलती कह रहा हूँ आज? ठीक है बहन जी, तभी तो मेरे पास आई है। और नहीं ठीक आती कितने बार हो गए बहन? 5 बार हो गया। आज नहीं ठीक होते तो मेरे पास आती, कहते हैं बाबा फर्जी बना, सही बात है नहीं? क्या मतलब है हमारे जब काम है? आज ठीक है तभी तो आ रही है। बैठी बहन जी, आज कोई नहीं था, अकेले आए हो? बहन आई है। अच्छा वही है का? हाँ। तुम्हारी सगी बहन है? हाँ। मेरे यहाँ पानी पियो, कुछ रिस्पांस मिला, ठीक लगा? हाँ, जाकर खूब मन तन टहले वाले, नहीं तो बिस्तर नहीं छोड़ते थे। इसके पहले बिस्तर नहीं छोड़ती थी? हाँ। अब जिस दिन मेरा पानी पियो तो क्या, जाने के बाद क्या महसूस हुआ तुम्हें? न कपार में तन को दर्द नहीं था, न घबराहट था, कुछ भी नहीं था, लग रहा था हम ठीक हो गए। ठीक हो गए ना? ठीक हो जाओगे, थोड़ा सा दिक्कत अभी हुआ है तुम्हें, तुमको भी बाद में, फिर 2 दिन के बाद नहीं 1 दिन के बाद तुमको दिक्कत हुआ है ना? हो रहा है ना? तुम्हारे ऊपर शख्स है, ऐसे भी है। मानिए दवा वो तो बोले, जैसे पहले ना थी एक्सरे थी कराए, एमआरआई कराए तो बोल रहे थे कि नस दबा है, कपारे से बड़ा दर्द हो रहा है। जब आईसीयू में घुसे ना तो आईसीयू से जब लिखा रहे थे तो बोल रहे कि वाल में कमी है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ऑपरेशन कराए। तुम्हारा सर का दर्द नहीं खत्म हो रहा था? हाँ, अब खत्म है का है भी? दवा लगाए तो खत्म है, सर में तनिको नहीं लग रहा कि अब दवा कुछ भी है। मेरा जब से पानी पियो तब से हम ठीक है। हाँ, एकदम आराम है, अपने मम्मी पापा से बोल रहे कि हम ठीक है। हम देखिए एमआरआई कहाँ कहाँ बड़े बड़े डॉक्टर्स दिखाई है, दवा कराते कर थक गई थी, सही है बहन? हाँ। अब बिस्तर छोड़ नहीं रहती, आपके सामने है ना, आती आपके सामने, आप देखे होंगे दूसरी बार है बच्ची को आज, इसीलिए तो गवाही लेता हूँ कि मेरा मरीज का क्या रिस्पॉन्स है, क्या ठीक है। लेकिन सोए थे ना जिस दिन दवाई थी, मन पिए लोग सासुआ एक बार 12 बजे तो सासुआ थोड़ा सा बंद हो गया। वही तो तुम्हारे ऊपर ऐसे भी है, तुमको डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक बोला हूँ ना अभी, इससे पहले बोला हूँ तुमको थोड़ा थोड़ा दिक्कत कर रहा है। जब आप लोग सब लोग अपने अपने घर में सोए रहते हैं तो सबके यहाँ हम अपने मोकिल भेज कर दिखवाता हूँ कौन कैसा है, कहाँ हो रहा है। आजकल बाबा ऐसे लोग हैं, बहुत बड़े बड़े बाबा हैं सब लोग, किसी को बुराई नहीं कर रहा हूँ, तो बाबा लोगों के पास जाओगे, बड़े बड़े बाबा जो हैं 1-1 लाख 2-2 लाख 20-20 हज़ार लोगों को भीड़ हो रहा है जहाँ, तो जाओगे तुम्हें तत्काल नंबर नहीं मिलेगा, पता है? जाओगे तो नाम लिखाओ तो 1 महीने के बाद तुमको नंबर मिलेगा, तुम्हारा सानिया नाम, बाप माता जी का नाम फला, पिताजी के फला को फला जगह नारायणपुर विश्वखोर ऐसे नाम लिख जाएगा। ऐसे से बाबा आज कर रखे हैं लोग
एक महीने में अपने आदमी भेज के बाबा आप तरसवा लेंगे इस बच्ची को, घर का किधर दरवाजा है, किधर रुख है, क्या है, मेरी बात सुनिएगा तब एक। अरे बाबा ऐसा होना चाहिए कि पब्लिक में खड़ा करके तत्काल बताए तुमको ये परेशानी है, दिक्कत है, उसको असली मानेंगे हम, उनके साथ कोई अच्छे लोग हैं, अल्लाह हो चाहे भगवान हो, जो भी हो, कोई अली हो चाहे कोई भी धर्म से हो। जैसे एसयूएम से लिख रहे थे ना, कम कम 4-5 दिखाए, हाँ। दिखाया गया कई जंतर मनु पहनाए हैं लोग, है क्या देखिए ना, कई को पहने हैं, बाई में सब पहने थे, लेकिन कुछ नहीं फायदा हुआ। अब मेरे यहाँ आए हो तो खाली पानी पियो, ठीक हो गई हो? हाँ, आराम हुआ है। देखिए अल्लाह का बहुत बड़ा हुआ है, यही कहता हूँ असली भगवान माँ बाप होता है, माँ बाप के बाद अल्लाह और भगवान एक ही हैं। दोनों लोग आप दिल से पूजा करिए, किसी को मत पूजा करिए, किसी को मत मानिए, माँ बाप को मानिए और अल्लाह भगवान को मानिए, बस आपका हर मनोकामना हर चीज पूरा हो जाएगा। बोला हो ना, अरे जो सोखा के पास गई हो तुम, वो क्या बोले थे तुम्हें? वो बोल रहे हैं कि तुम्हारे घर में कमी है, कि तुम्हारे इतनी है, मन से दे दुका दुका बता रहे थे। तुमको मैं क्या बताया था? आ? तुमको क्या हम बताया था? मिट्टी लेकर आई थी ना, जैसे वो वहाँ पर नहीं ना, मायके ना है। अच्छा मायके, यहाँ तुमको कुछ नहीं, तुमको बोला कुछ मतलब नहीं बोला था ना, कुछ नहीं ले आई हो? मैं ऐसे देख के बताया मैं तुम्हें। अब ठीक हो ना? बस वही दिक्कत हो रहा है, गला थोड़ा सा दब रहा था रात को। ठीक हो जाएगा, जब तुम इतना ठीक हो गई हो तो और ठीक हो जाओगे। ऑपरेशन कराना पड़ेगा? अभी तुम मेरा दवा पियो। दवा पे नहीं, मैं तभी जो दे रहा हूँ पहले पियो। ठीक है, थोड़ा अपना रिपोर्ट लेकर आना। मानी वो होता तो थोड़ा घबराहट हुआ, कुछ भी नहीं हो रहा, एक बैग बोल दिया सब वाल कोई गिनती हो गया। अच्छा, वो लोग बोल रहे थे वाल तुम्हारा दिक्कत है? हाँ, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सर्जरी करा लो। अब मानी हमको कुछ भी नहीं, खाली सर में दर्द है, जैसे भी आता है नसिया फाट कर इतनी हो जाएगा, आ उठे ना मनो दर्द करता, दूसरा बाकी कोई नहीं, मानी वो खारो खार तो कभी सर्दी जो खाम सबको होता है, थोड़ा सबको होता है। अभी तुम्हें अब कैसा महसूस हो रहा है? अभी हम गए थे बहुत आराम से, खाना वाना सब खाए, मम्मी से बोला हम बहुत ठीक है, हमको कुछ भी नहीं। देखिए हम इन बोला हूँ आप लोग को, बाबा अजमेर वाले के दरगाह में आज तक खोली खाली नहीं गया है, ना कोई खाली जाएगा। जब बताओ इस, उठो बहन, उठो आप थोड़ा से, ये बहन आई है, कहाँ घर बहन तुम्हारी? दुबे अमवा। हाँ, इसकी एक दयादिन है, दयादिन है तुम्हारी, वो पता लखनऊ से लेके कहाँ कहाँ जाके अपने बच्चों की इलाज कराई। आप लोग सही बात है, माइक दीजिए इनको, वहीं खड़े रहो बहन, माइक दो, सही बात है? हाँ। तो कोई कहता था डॉक्टर उसके कान से सुनाई नहीं दे रहा है, सही बात है? हाँ। कोई कहता था आँख से सुनाई नहीं दे रहा है, और दवा कोई काम नहीं कर रहा था, सही बात है? हाँ जी। अभी उसको आँख से दिखाई दे रहा है, पूछे हो ना? ठीक। आँख से उसको दिखाई भी दे रहा है, कान से सुनाई भी दे रहा है बच्चे को। हमें कहें दिल से माँ बाप को सेवा करो और अल्लाह भगवान को मानो, हर चीज पूरा। बाबा अजमेर वाले हमारे हैं, आज तक कोई उनका दरबार से आज तक कोई खाली नहीं गया है। तो कहीं लेकर जाते रह लो तो लेकर जाए जाए तो बताया सो, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है तो आनर हो गया है, तो दिमाग नहीं है। देखिए बताइए, आज मेरा वो बच्चा, मैं उसके लिए दिली दुआ किया था, मैं सबके लिए दिली दुआ करता हूँ, मैं सबको, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, मेरे अंदर कुछ नहीं है, मैं सबके यहाँ जाता हूँ, खाना खाता हूँ, पानी पीता हूँ। आज है, आज बच्चा ठीक हो जाएगा, चलेगा तो कहेगा कोई को रेड्डी में समीर बाबा अजमेर वाले थे, उन्हीं के देन है, आज मेरा आँख मेरा सलामत है और मेरा मैं कान से अपने सुन रहा हूँ, सही बात है? मेरा नाम तो रहेगा, मर जाएंगे तभी तो मेरा नाम रहेगा। आज मेरी बहन है बगल में खड़ी है, आज ठीक है, कहाँ का गई है, दंचर बहुत पैदी है, आज मेरे यहाँ ठीक हो तभी तो मेरा तारीफ करिए, पब्लिक में मैं गवाही ले रहा हूँ तो करिए, बाबा आज मैं बहुत ठीक हूँ, खाना नहीं खाता था, मैं खाना खा रहा हूँ। बस आप लोग मेरे लिए दुआ करिएगा, मैं आप लोगों को दुआ ऊपर वाले के पास करूँगा, मैं हाजिर लगाऊंगा सबको, आना कोई खाली गया ना कोई खाली जाएगा, दुआ के लिए आना सबके भी आता है। हाँ, कहाँ कहाँ दूर से आदमी आता है। तो कहा जाता है जो अमल करेगा परजय करेगा उसी को दुआ कबूल होगा, 100 में 100। मैं क्या बोलता हूँ कि बहन फिर फोन पे मैं दुआ करूँगा तो 20% काम करेगा, बोला हूँ ना आप लोग जानते हैं सब लोग, और सामने आओगे दुआ करूँगा तो 100 में 100 काम करेगा, क्यों मैं अमल किया हूँ,
मेहनत किया हूँ, पढ़ा हूँ, उसी के देन आज मेरा 100 में 100 मेरा दुआ कबूल हो रहा है। आजकल बाबा लोग हैं बहुत 1 घंटा 2 घंटा लोगों को पहले मुठभेड़ करते हैं, ये करना है, वो करना है, फला करना है, सब कुछ नहीं। बस मैं कहता हूँ माँ बाप का सेवा करिए, भगवान के आदमी पूजिए, हर मनोकामना पूरा होगा। और कोई बहुत मुसीबत है आपके ऊपर, अच्छा नहीं लग रहा है हमको, उछलना लग रहा है, तो कहीं जो गरीब बच्चे जहाँ हो, चाहे हिंदू में कहीं मुस्लिम में कहीं भी, वहाँ जाओ, कुछ लो, बच्चों को खिला दो, सब मुसीबत कट जाएगा। जो गरीब टाइप को जो है उस टाइप को, सबके मत खिलाइए, जो गरीब जा रहे हैं ये बहुत, कोई इसको है नहीं आगे पीछे, समझ रही है ना? ठीक है बहन, बैठिए दोनों लोग। क्या नाम है तुम्हारा? पूजा देवी। के बार आई हो पूजा देवी? 4 बार। 4 बार मेरे पास आ चुकी है। जब पहली बार मेरे पास आई तो मैं अंतर एक भूत छुड़ा रहा था, सही है? सही है। आके यहाँ लगी खेलने, आप आई थी ना साथ में, सही है? सही है। उसके बाद मैं उसको शख्स था जो छुड़ा दिया, और मुझसे कही है बाबा पेटों में दर्द हो रहा है मुझे, सही है ना? मैं इसको कहा कि देखो वो बीमारी है, तुम अल्ट्रासाउंड करवाओ, तुम खेलियो, भूत तुम्हारे ऊपर हट गया अभी, ये बीमारी है, बीमारी मैं नहीं ठीक कर पाऊंगा, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, हाथ उठा कहिए भाई, सही बात है ना? अब बोला हूँ इसको बीमारी में किया गया था, हाथ में सूजन हो गया इसका, और किडनी में इसका गुर्दा जो होता है गुर्दा, उसमें 5 में 1 पतली है, इसीलिए इसको पेट में परेशानी हो रहा था, पेट में दर्द हो रहा था। तो हम यही ना कहते कि हम भूत परेतवन ठीक कर पाएंगे, इसके सिवा कुछ नहीं ठीक कर पाएंगे। तो आज वही रिजल्ट सामने आ गया है, 5 में और आत्म सूजन इसको है। सही बोल रहा हूँ बहन, झूठ नहीं ना? अब कोई पहले भी था 2 पथरी, तो जैसे दवा करा रहे थे तो कितना दिन से फिर छोड़ दिए सब दवा, वो मन करा नहीं रहे सब, एक्सरे साउंड कुछ नहीं कराए। जो इसके ऊपर शख्स, आप सुनिए, जो इसके ऊपर शख्स भूत खेल रहा था, वो कहा कि बाबा पेटों में बीमारी वह करो, सही बात है? जो भूत खेल रहा था वो बताया खुद कि बीमारी है, अब मैं भी वही बोला था पहले, तो मैं भूतन सही कर सकता हूँ, भूत परे किसी को नौकरी नहीं लग रहा है, दुश्वारी है, कुल नहीं कर सकता हूँ, ठीक है ना बहन? और कोई दिक्कत परेशानी? जैसे मंगलवार को आए थे तो मन खेल उल के गए, तब से सही है। सही हो ना? थोड़ा बहुत शरीर में मतलब दिक्कत है, मन कमजोरी बड़ी से दर्द। अरे तो ठीक हो जाएगा, इनका उम्र कम से कम 80 साल होगा, 80 साल है ना? पास में माइक लगाइए। हाँ, इनको 10-10 को 12-12 को भूत ले घूमती हैं, सही है? हाँ, हम सही है। को बचर बनो को कतल कतल बनी को तो बचे हैं भूत अब? हम क्या जानता नहीं, कोई कतल रो रखा था नहीं तो नहीं की जानो तो नहीं की जान ना, तो भूतवारा इनकी क्या जानिए को कतल भाई, वो जाना तो हम जा रहे हैं इनके साथ आई जे वो जानी। बड़ा बड़े दर्द होता कपाल में, पेट में आज हल्का हल्का भूत आवत है ढकार। हाँ, जमाई आवता, जमाई खाली आवता। और कतल हो गए ना वो? अब हम जानता नहीं, किरो जानता नहीं, हमो ने की जान। हाँ, कहो रो जाने, हम जाने ठीक बाड़ू ना? हाँ, ठीक बनी यही जतन तकलीफ हो, अब खाली दर्द दर्द करता, दर्द करता, कपड़ा दर्द करता, पेटवा में दर्द होता जा। अब इनवा का जब खेलू हो भूतवा खोई जूम के खेलू हो होलिया होता खाली रह रह के यह बीमारी होला। इनका नाम लिखे भाई साहब, नाम लिख लीजिए। यह बीमारी होला। हाँ, कपड़ा सर सरवा है। अभी इनको अभी कत्ल हुआ है भूत, अभी एक बार और चेक करूंगा इनको। टप टप मारा था। बताइए इस उम्र में इनको करा दिया गया है, बताइए इनको हम पूजा पाठ करना चाहिए, बाकी लोग देखिए पटियार कैसे लोग हैं, कैसे बूढ़ी उम्र उम्र हो गई है, मरने का समय हो गया है, पूजा करने का समय हो गया है, बाकी ऐसे आदमी को बताइए मजार पे मंदिर पे सोखैती भेज प्रसाद कर दौड़ा रहे हैं, बाकी इनके शौक है माता जी को कि कहीं दौड़े हैं, यहाँ से 80 किलोमीटर दूर से आई हैं। कौन गाँव घर आपके?
महंत के बस डीला फाजिल नगर के आगे है, यहाँ से 80 किलोमीटर है। अब रौरा देख ली, जब जा चली ठीक, काहे परेशानी होता है बहन, ठीक हो जाएगा। और कोई नहीं पूछने वाला, आप बैठिए जाइए। सुदर्शन यादव, सुदर्शन यादव पिताजी का नाम बताइए। बल्ली यादव, बल्ली यादव माँ का नाम। मठिया धीर माँ का नाम, माँ का नाम। ठगिया, ठगिया जो बताया वही है। और यूरिक एसिड आपका बढ़ गया, यूरिक एसिड जानते हैं? हाँ, हाँ। वही दिखा रहा है, कुछ बढ़ा दिया आपका। अच्छा, बीमारी भी कोई है कि? बीमारी कर दिया, बीमारी बना दिया वो। हाँ। जो बरम दिक्कत था, जो घरवा कई बार बनवाए थे दूसरे से। हाँ। वो बीमारी बना दिया उसको। वो बीमारी में बढ़ा दिया है। पैरवा क्यों दर्द रहा, कमरिया से? वही यूरिक एसिड बढ़ गया आपका, इसीलिए उठना ही दे रहा है। अच्छा, ठीक है। हाँ। ये दिक्कत कर रहा है आपका, बीमारी में वो कर दिया है। कैसे ठीक होगा बाबा? घर को बंदिश करना पड़ेगा, एक दवा आपको बताएंगे हम, वही लेना पड़ेगा। आज लेंगे, सुबह लेंगे, शाम तक फ्रेश रहेंगे। अच्छा, हम नहीं दवा देता हूँ, मैं बता दूंगा। अच्छा, घर एकदम, अब 5 बार हो गया ना? हाँ, 5 बार हुआ। घर बंदी तत्काल करा लीजिए, लेट मत करिए आप उसको बैठा के। सबको के लोग फैमिली में आप? जी, फैमिली में के लोग आप? फैमिली में 3 है। सबको बैठा के जितने लोग हैं सबको जलाया जाएगा, जितना कील पहले से जो बंदी सुन करवाए हैं ये कलवा के उसको नदी में डलवाना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। हाँ। ठीक, और कोई नहीं ना? 2 लोग बाहर हैं साहब। बाहर कोई दिक्कत नहीं है, उनको 5 तबीज भिजवा दीजिएगा। तबीज तो नहीं जा पाएगा, तो दुबई रहते हैं। दुबई रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा उनको। एक तो है इधर ही, मतलब फरीदाबाद में है, एक दुबई रहते हैं। जो है उनके पास, जिसके पास पहुंच जाएगा पहुंच जाएगा, घर का जो सिस्टम है सब खत्म हो जाएगा। अच्छा, उसको जला दिया जाएगा, कहीं कहीं नहीं जाएगा, जहाँ रहेगा वहीं पड़ा रहेगा। जब बच्चे कभी आएंगे वो, तो मेरे पास जरूर लेकर आइएगा, 1 साल 2 साल बाद जरूर। ठीक है। हमके ये खाली परेशानी में राती के बुखार उखार लेके उपटता है, मन 2 दिन से नगदे खून जांच करावे नहीं, कुछ नहीं खेली करो। तो हमके पास में माइक लगाओ, खून जांच करावे नहीं, कुछ नहीं खेली करो। पास में आओ तुम मेरा, जब नपाक रहो तनी तो बहुत हमके दिक्कत ही होता है। नपाक रहे तो दिक्कत हो रहा है। तुम्हारे ऊपर शक सर, और तुमको महसूस होता है पूरा कि मेरे साथ कोई आता है मेरे पास, सही है ना? भाई खुल के तो नहीं बोल पाते हो तुम। अपाट पट सपना हम देखे नहीं, एगो आज भर रात तक नहीं किन देखल है। आज तुमको भी खिलाएंगे हम। हम खेले नहीं तो आज खेल लेबू, उसके बाद कभी नहीं खेलक पड़ी, लास्ट दिन खेलबू, लास्ट एक बार नहीं खेलबू। ये बाबा लग रोज नहीं खेला जला, हमें नवरात्र में बहुत परेशानी। अब नवरात्र चाहे कुछ हो नहीं खेलक, बस पूजा कर लिए जाके एक बार, ठीक ना? आ खपर पर नहीं दो एक बार। हमने पता का चीज से हमको परेशानी होता है। अभी सामने कर दे रहा हूँ तुम्हारे सामने, सबकी पब्लिक के सामने मैं कर दूंगा क्या चीज है। जैसे देखियो ना उसका एक कल परसों उसको सामने कर दिया सबको। हमारे लड़का जुबान है हमारे एकदम उनके एकदम परेशान भइल रहत ना, बात कहना मनते नहीं खनता निको हमने के। एक बार ले आना उसको, घूम के आवत ना, और उसको ले आना बच्चे को। ठीक, और कोई किसी को पूछना नहीं ना? नीदू कौन भाई, नहीं आओ पेट गर्द रखिए। पकड़ो बहन, क्या नाम है तुम्हारा? नीदू। माँ का नाम? श्रीमती। श्रीमती सपना देखती हो ना, सही बताओ। पास में माइक लगाओ, पास में
सपना देखती हो ना? हाँ। पेट में तुम्हारा दर्द होता है? जी। ख्वाब अच्छा नहीं देखती हो तुम, गंदे गंदे वो ख्वाब देखती हो, सही है ना? जी। दिमाग तुम्हारा बहुत भटकाता है। जी। ठीक हो जाएगी, दिक्कत ऐसे भी मामला है इसको बहुत दिमाग को भटकाता है। पैस आओ इधर आओ, हाथ दो हाथ दो हाथ दो, सीधा हाथ करो। सीधा दम टाइट करो, इसको दिमाग बहुत डिस्टर्ब करता है, आदम भटकाता है, इसको कोई चीज में मन नहीं लगता है। सही है बेटा, माइक पास में लगाओ, तभी तो लोग जानेंगे सुनेंगे, शर्माओ मत। सही बात है ना? जी। ठीक हो जाएगी, सही बात है इसका, किसी की बात नहीं मानती आली। हाँ भाई, ये नहीं बोलती है, कोई और बोलता है। ठीक है बहन बैठो, और कोई नहीं ना? आप कोई पूछने वाला या कुछ? क्या हाल चाल है आपका? मस्त है, मैं भाई नहीं तो नहीं। चेक हो गया, बता दिया उसको। हाँ उनको दीजिए, बगल वाले हैं जो उनको दीजिए। क्या हाल चाल है आपका? ठीक है। पाँच छः सात बार आ गए उम्र तू? हाँ। क्या बार आई बड़ू? खाली दारू पियता वो ठीक हो जाए, तभी पहना जो दिया हूँ ना। हाँ। सबके लिए तभी बना दिया हूँ, आज सबको दे दूंगा, सब लोग पे। और कोई परेशानी दिक्कत? ठीक है एकदम ना? हाँ, सब ठीक बा। ठीक बताइएगा, ठीक बताइएगा, बेचक बताइएगा। हाँ। देखिए हम ऐसे इंसान है, बारह रात को फोन करके तो हम फोन उठा लेते हैं। हाँ। और भाई कहीं इमरजेंसी में मोबाइल रख दिया, नहीं उठा नहीं उठा, बात अलग है भाई। कभी आप फोन कर उठ जाता है? नहीं उठता है, उठाता फोन ले कहो। ठीक है ठीक है, इधर घूमिए आप। क्या नाम है बेटा? भोलू। भोलू, देखने में तो तुम ठीक लगते हो बाकी बदमाश हो। सही बताना, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बहुत तेज तल्ला रहा है लड़का ये। भोलू बाबू, माँ का नाम है तुम्हारा? जंतीरा देवी। हाँ, जंतीरा देवी। जंतीरा देवी, सही हो यार, कोई दिक्कत नहीं तुम्हें भूत प्रेत का। अब तुम मन बड़े से तुम बात न मानो तो बात अलग है भाई, और कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारा। कुछ पूछना चाहते हो? नहीं, मानो नहीं लगता है पहनो। अरे मन नहीं लगता उसकी बात अलग भाई, भूत शैतान तुम्हारे ऊपर नहीं, वो तो तुम्हारे मन बड़े ही है, बोला ना मन का बड़ा है। बात समझ ना, और कोई भूत प्रेत का साया नहीं है। अच्छा कराया वाला कुछ है नहीं इसको, वो तो मन बड़ी है, इसको गाड़ी दे दो, खिलाओ पिलाओ, घूमेगा कोई बिंदास। हाँ भाई, और कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है,